हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, और एक बार फिर से जो चाइना ने जो कल हरकत की है उसको लेके मैं एक बहुत डिटेल वीडियो आज बात करने वाला हूं। जैसा कि कल चाइना ने जो भी किया है वो कहीं उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, और किसी तरह के उस पर कोई कॉमेंट करना भी सही नहीं है। तो जो हमारे देश में जो कल शहादत हुई है वो ना आप भूल सकते हैं ना हम भूल सकते हैं। तो मुझे लगा कि जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, मुझे वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और आप जो कर रहे हैं आप भी कुछ ना कुछ कोशिश कर ही रहे होंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम चाइना के बारे में कुछ बात करें, लेकिन मैं आज चाइना के बारे में कुछ फैक्ट रिलेटेड टू इंडिया बात करने वाला हूँ। तो अभी तक क्या था कि मैंने देखा बहुत लोगों ने अपने ऐप डिलीट किए हैं, और अपना फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर उन्होंने लिखा और लगाया कि मेरा मोबाइल चाइना फ्री ऐप से है। मैं उनके लिए ना बहुत चौंकाने वाला डेटा लेके आने वाला हूँ, और उनको ऐसे ऐसे भी कंपनी की नाम बताऊँगा जो रोज़ आप यूज़ करते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि जो लोग इस तरह के जो टैग यूज़ करते थे, क्या आज जो मैं बात कहने वाला हूँ उससे वो सहमत हैं या नहीं है, और क्या वो जो सेना हमारे जो सेना जो अभी बॉर्डर पर लड़ रही है, क्या चाइना से देश के अंदर भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरत है। ऐसी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसका ऐप हम रोज़ यूज़ करते हैं। मैं उसके अगेंस्ट कहीं नहीं हूँ। मैं अभी एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मेड इन चाइना है, यानी कि ऑप्शन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आगे आके बात करने की ज़रूरत है इकोनॉमी पे। पहले हम अपनी इकोनॉमी को समझें, तब हम चाइना की पॉलिसी को समझ सकते हैं कि किस तरह से चाइना ने हमें ट्रैप कर रखा, और उस ट्रैप से निकलने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम और आप हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती। मैं इस पर पूरी डिटेल चर्चा करूंगा क्यों और किस लिए। साथ के साथ ये भी बात करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से मैं सारे न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूँ कि अक्साई चीन को लेके भारत पे ये दबाव बनाया जा रहा है, और हम बॉर्डर पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से अलग अलग न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता है कि इस न्यूज़ में उतनी दम है, उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम और एस्पेक्ट को भूल जा रहे हैं। क्यों? कुछ चीज़ें अभी डिस्प्ले पर दिख भी रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप पिछले कुछ दिन जब से कोविड-19 आया है चाइना की हालत बहुत बुरी हुई है। कैसे? कुछ न्यूज़ आप अभी दिख रहे हैं, उसको बढ़ के भी बताऊं कि ग्लोबली अगर मैं जापान की बात करूं, यूएस की बात करूं, यूके की बात करूं, यूरोप की बात करूं, हर जगह चाइना को कंडेम किया गया और माना गया कि कोविड-19 का जिम्मेवार वही है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। हुआ क्या उसके बाद? दुनिया को ये लगा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सप्लायर है, इस सप्लायर को अब सप्लायर रहने की ज़रूरत नहीं है, अब इस सप्लाई का एक सब्स्टिट्यूट बनाना होगा। अदरवाइज़ ये जो मोनोपोली चल रहा है, ये मोनोपोली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आप यूएस चाइना का टसल देखें तो वो भी आपके सामने है। हुआ क्या? जापान ने भी कुछ कहा, उसके अलावा अलग अलग कंट्री के अलग अलग तरह के आए। जापान ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वापस लेके आता है तो उसको बहुत तरह के प्रोटेक्शन दिए जाएंगे, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये एक फाइनेंशियल न्यूज़ समझने की ज़रूरत है, यानी कि ग्लोबली दो चीज़ें होने लगी। पहली चीज़, कोविड-19 का जो जिम्मेवार माना गया चाइना को माना गया, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हर देश ने कहीं ना कहीं ये चीज़ कही, उससे चाइना परेशान है। दूसरा, कोविड के बाद लोगों को ये लगा, हर दुनिया की जो बड़े कम देश हैं उनको लगा कि अब मैन्युफैक्चरिंग को अपने पास या कहीं और लेके जाना होगा। अगर आप BBC की रिपोर्ट जो कि दिख रहा होगा, वो यहाँ तक कहा गया कि कैन इंडिया रिप्लेस चाइना एज ए वर्ल्ड फैक्ट्री। यानी ये जो लड़ाई है ये केवल इसलिए नहीं है कि चाइना को प्रॉब्लम है, चाइना को ये प्रॉब्लम है कि इंडिया आगे ना जाए, उसको लेके जो लेग पुलिंग की जो आदत होती है वो है। इसमें एक चीज़ और जोड़ूं, अगर आप सीज फायर जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में देखिए, वहाँ पे भी वायलेशन बहुत हुए हैं। ये भी रीज़न कहीं ना कहीं चाइना के इस प्रोपेगेंडा का हाथ है। दूसरा, नेपाल की तरफ आ जाए, नेपाल की औकात हमारे सामने कुछ नहीं है। अगर उस तरह से बात की जाए, उसे अगर चाहे तो 2 से 4 घंटे में भारत सरकार पूरी तरह से ठीक कर सकती है, लेकिन वो एक पुराना अलाई है हमारा, बहुत पुराना अलाई है। वो एक सेंटिमेंट रखते हुए भी अगर आप देखें तो आज की डेट में वो चाइना की भाषा बोल रहा है कहीं ना कहीं, यानी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा चाइना। जो मुझे लगता है ये सारी कहानी के पीछे ये मैसेज जाए दुनिया में, पहली चीज़ कि कोविड-19 से लोगों का ध्यान हटे। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। चाइना उस जो अलर्ट था उसको डाइवर्ट कर रहा है, साथ के साथ ये भी मैसेजेज देने की कोशिश कर रहा है ग्लोबली कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री नहीं है, उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे उसके पंगे चलते रहते हैं, चाहे वो छोटा सा देश नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो।
ये पूरा एक तरह की प्लॉटिंग है जो चाइना, मुझे लगता है एज ए फाइनेंशियली ये मेजर रीजन है, क्योंकि चाइना को बताने की जरूरत नहीं, ताकतवर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दुनिया की नंबर टू जीडीपी देश है, तो यहाँ ये प्रूफ करने की उसको जरूरत नहीं है कि वो नंबर वन है नंबर टू की लड़ाई में है। प्रॉब्लम कहाँ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक अगर उसके सप्लाई को देखा जाए पिछले 3-4 महीनों में डबल डिजिट गिरावट आई है, चाइना उससे भी बहुत परेशान है, चाइना के प्रोडक्ट को बहुत कंट्री ने बाइकॉट करना स्टार्ट किया, चाइना उससे परेशान है, तो चाइना को ये लग रहा है कि इंडिया कहीं तरह से उस तरह से पोजिशनिंग ना ले पाए। ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है मैं गलत हूँ, आप उसमें कमेंट करने के लिए पूरी तरह से, लेकिन मैंने कुछ ग्लोबल न्यूज़ आपको दिखाई, ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ग्लोबल न्यूज़ है। अब बात करते हैं कि हम देश के अंदर चाइना से कैसे लड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे सैनिक हैं वो तो कुछ भी हो चाइना से तो लड़ेंगे, हमारी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइना से लड़ने के लिए। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है और चाइना क्या क्या काम करता है, चाइना की कौन कौन सी कंपनी है जो इंडिया में बैठ के चाइना के लिए पैसे बना रही है और चाइना को उसका बेनिफिट दे रही है, और फिर वही चाइना वो पैसा लेके हमारे बॉर्डर पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी तक क्या था, आपने ऐप डिलीट किया, अब उससे हमें एक स्टेप आगे जाने की जरूरत होगी, हमें यह भी समझना होगा कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में क्या फर्क है। सबसे पहले अगर मैं स्क्रीन पर वो भी आ रहा होगा कि चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है अप्रॉक्सीमेटली, जो जीडीपी की बात करें अप्रॉक्सीमेटली जो है 2.8 के आसपास है, 2.5 2016 में था, 2.5 के ही आसपास 2017 में था, 2018 में 2.8 है, 2.9 में 2019 में 2.5 के आसपास है। वो इसलिए कम है क्योंकि जनवरी के बाद कोविड होने की वजह से जो सप्लाई था उसमें गिरावट आई है और उसके डेटा अभी भी अपलोड नहीं हुआ। ये जो डेटा बता रहा हूँ सारे ऑफिशियल डेटा, ये एक भी मेरे डेटा नहीं है, सारी चीज़ों के डिटेल आपको नीचे मिल रहे हैं। अब अगर देखें तो हमारे जीडीपी में लगभग 76 बिलियन लास्ट ईयर, 68 बिलियन 2019 में चाइना से हमने माल मंगाया है, 68 बिलियन, हमारा जीडीपी 2800 बिलियन का है, यानी कि बहुत बड़ा पोर्शन चाइना आज हमसे कमा रहा है। ये तो एक चीज़ है, अभी मैं आऊँगा उसकी कंपनीज पे। दूसरा, अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो इंडिया में उसने इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि अगर मैं वो देखूँ तो 68 बिलियन तो कमा ही कमा रहा है, 4 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है जिससे कि वो अलग पैसे बना रहा है, यानी कि इंडियन जीडीपी पे और इंडियन देश से बहुत तरह के पैसे निकाल रहा है। उसमें भी अब मैं बात करूँ टिकटॉक की, अगर आप टिकटॉक को देखें तो इंडियन सबसे ज़्यादा यूज़र है आज। अगर आप चाहते हैं कि चाइना से लड़ना है तो पहले तो चाइनीज़ ऐप को जो आपने गुड बाय कहा उसे मैसिव करना होगा। टिकटॉक की औकात क्या है, अगर व्यूअर नहीं है उसके पास टिकटॉक आज ख़त्म हो जाएगा, यूट्यूब के पास अगर आज व्यूअर नहीं हो तो यूट्यूब ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो प्रोडक्ट नहीं है, हम और आप हैं, हमारी जो आबादी है उसका बहुत बड़ा भाग टिकटॉक को देखता है, यानी कि हमें उसको भी बायकॉट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको ट्रैफिक दे रहे हैं, उस ट्रैफिक की वजह से टिकटॉक का वैल्यूएशन डे बाई डे बढ़ रहा है, अदरवाइज उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ नहीं है, जीरो है उस प्रोडक्ट की वैल्यू, लेकिन जब व्यूअर होगा जब उसके पास नंबर्स होंगे बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, ये एक एंगल है। अब मैं बात करूँ कि क्यों गवर्नमेंट चाइना के साथ, लोग कह अभी आ रहा है कि ट्रीटी तोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है टेक्निकली बायलेटरल, इतनी तरह की इंडिया ने जो पहला एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ अक्टूबर 14, 1954 में किया था और अभी तक 149 ट्रीटी हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ, यानी कि ये ऐसा बच्चों का खेल नहीं है कि आज हुआ और कल हमसे दोस्ती नहीं है तो फाड़ के फेंक दें, ये ग्लोबल ट्रीटीज़ हैं और यहाँ पे एज ए कंट्री उसको ओवे भी करना होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत बहुत फ्रंट नहीं है कि वो जाके चीज़ों को कर पाए, लेकिन हम लास्ट में बात करेंगे हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकते हैं और उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कहीं जो हम कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे, अदरवाइज और हमारे पास कुछ है नहीं हम कुछ कर पाएँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया एक्सपोर्ट का पूरा मैंने डेटा भी ऑलरेडी आपको दिखा रखा, अगर आप देखें तो डेफिसिट बहुत बड़ा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट है अगर आप उसको समझते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, वो एक अलग एंगल है ठीक है वहाँ पे, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बन सकते, अगर आप देखें जो इम्पोर्ट वाले प्रोडक्ट है उसमें मैसिव क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मशीनरी है, साउंड इक्विपमेंट है, टेलीविजन, जो आपके घर में टेलीविजन लगा है 99% चांसेस हों, क्योंकि जो उसका पैनल है इंडिया में बनता ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट चाइनीज है। अब ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको निकाल के फेंक दो, पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, वो कहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे इसकी सब्स्टिट्यूट दिया जाए और आने वाले टाइम में कैसे इससे लड़ा जा सकता है। तो इसके अलावा बहुत तरह के और भी चीज़ें, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है वो काफ़ी चाइना से आता है। अब बात करते हैं जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इंडिया में 30 यूनिकॉर्न्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो मैं अगेन डेटा की बात करूँ तो ये डेटा है, आप मानेंगे नहीं 18 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें चाइनीज पैसा लगा है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा है। सबसे पहले बिग बास्केट, रोज आप उससे ऑर्डर दे रहे होंगे। अब आप कहिएगा कि सर उसको नहीं ऑर्डर दे, आप ऑर्डर दीजिए, मैं मना नहीं कर, मैं मेरा काम है वैसी कंपनी के बारे में बात करना जहाँ चाइनीज ने पैसा लगा के उस पैसे से पैसे कमा रहा है। बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम इलेवन आज के डेट में बहुत फेमस है, बहुत बड़े बड़े लोग उसके ऐड कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, देसी प्रोडक्ट है, लोग कहते हैं ओला, कहीं भ्रम ना रहें, इसको भ्रम ना पालें, उसमें चाइनीज जो मेजर हैं उनके पैसे लगे हुए हैं, ओयो रूम चाइनीज पैसा लगा हुआ है, पेटीएम मॉल चाइनीज पैसा, अलीबाबा वहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, paytm.com अलीबाबा अगेन वहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, पॉलिसी बाजार वहाँ भी चाइनीज पैसा लगा हुआ है, क्विकर चाइनीज पैसा लगा हुआ है, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो, इस तरह की लिस्ट है। ये तो मैं यूनिकॉर्न की बात कर रहा हूँ जहाँ चाइनीज पैसा लगा। अब आप कहिए, जो आप अभी तक मैं उन दोस्तों से पूछूंगा, आप कमेंट भी करिएगा, मुझे गालियाँ भी दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, जो अभी तक टाइटल लगाते थे कि मैंने चाइनीज ऐप रिमूव कर दिया, क्या आपने ये सारे ऐप रिमूव किया था? अगर किया था तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे भी तो पता चले कि ये इंडियन ऐप है जहाँ तक मैं और आप जानते हैं, क्या इसको भी आपने रिमूव किया था? क्या ये आपका लाइफलाइन है या नहीं है? क्या आज आप इसके भरोसे, बिग बास्केट के भरोसे ये कोविड में सामान मंगा रहे हैं या नहीं मंगा रहे? मैं नहीं कह रहा कि बिग बास्केट से नहीं मंगाई, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ये आपको तय करना है कि किससे मंगा। तो अब मैं इसके अलावा बात करूँगा उस चाइनीज कंपनी, ये तो थे यूनिकॉर्न्स, अब मैं एक और आपको रिपोर्ट जरा बताऊं कि मोबाइल मार्केट की। मोबाइल मार्केट में आप अगेन आप तो मानेंगे नहीं, ये जो कंपनीज हैं इनका 70% स्टॉक है, कौन? वीवो, ओप्पो, इस तरह की कंपनीज। अब मैं कुछ कंपनी की लिस्ट बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके घर में होंगे, उसमें मैंने चार कैटेगरी बनाए, हो सकता है अगर कोई, क्योंकि ये मैं कल से रात से रिसर्च करके मैंने निकाला है, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा कि कोई ऐसी कंपनी जो कि इसमें अगर गलती से आ गई हो तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैंने अलग अलग सोर्सेज से, ये मेरा कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, ये किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से नहीं निकाला है, अलग अलग जगह जाके मैंने ये कॉन्टेंट निकाले हैं इस पार्टिकुलर में प्रोडक्ट की जो बात कर रहा हूँ। तो इसमें चार कैटेगरी है, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल एंड अदर। मोबाइल में जियोनी, MI, ओप्पो, वीवो, आप चेक करते रहिएगा आपके पास कौन सा मोबाइल है सर, साथ के साथ चेक करते रहिएगा, फिर आपको समझ में रहेगा कि क्यों चाइना से बॉर्डर पे ही नहीं लड़ना है, चाइना से हमें देश के अंदर भी लड़ना है। वन प्लस, घर में वाईफाई लगा होगा सर, आप जाके चेक कर लीजिएगा, हुआई कहीं राउटर लगा होगा, सबसे बड़ा सप्लायर है, मजबूरी है। कूलपैड, मोटोरोला, लेनोवो होल्ड करता है इसको, लेनोवो बाई डिफॉल्ट वो भी इसमें है, ली इको, लेनेवो, उसके अलावा लंबी चौड़ी लिस्ट है सर मेरे पास मोबाइल की, अब आप चेक कर लेंगे, लिस्ट सामने है आपका कौन सा मोबाइल है, भगवान ना करे चाइनीज मोबाइल में आपने पैसा दिया हो। अब मैं एप्पल यूज़ करता हूँ, मैं एप्पल खुद यूज़ करता हूँ, अगर आप इसको देखें, मैं इसका पीछे का कवर दिखाऊँ, इसमें लिखा है डिज़ाइन बाई एप्पल कैलिफोर्निया, असेंबल इन चाइना। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि 78 बिलियन और 60 बिलियन का जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऐसे कितने प्रोडक्ट है जो हम और आप यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ चाइना है, यानी ये भ्रम में ना रहेंगे सर कि केवल ऐप रिमूव करके हम चाइना से लड़ेंगे, चाइना से लड़ने के लिए हमें अपनी ज़मीन को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी मैं पॉलिसी फ्रंट पर भी नहीं आया, मैं अभी पॉलिसी फ्रंट पर आऊँगा, मैं केवल डेटा की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में अलीबाबा ग्रुप, बाइट्रेंस,
उसके अलावा टेंसेंट बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, तो कितने कंपनी में उन्होंने पैसा लगा रहा है। कार वोल्वो, एमजी हेक्टर आज के डेट में सबसे फेवरेट, लोग उसको तो प्राउड लेके चलते हैं, एमजी हेक्टर चला रहे हैं। सर चाइनीज कंपनी है, अगर आपने एमजी हेक्टर का सेल देखा हो पिछले 8 से 10 महीने में, चौंकाने वाला है। सर वो पैसा चाइना को जाता है जो ओन्ड करता है SAIC मोटर्स, वो उसको ओन्ड करता है। गूगल करें, पता करें, कमेंट भी करिएगा। एमजी हेक्टर वॉल्वो दो कंपनी। अदर में मैं अगर बात करूं तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं उस लिस्ट पे जा नहीं रहा हूं। यानी कि कंपनीज की इतनी लंबी लिस्ट है जो ये लोग हमारे देश के अंदर बैठ के पैसे कमा रहे हैं, हमारे देश के अंदर बैठ के। मैं एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कहीं इनके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा देश ओपन है, हमारा भी जो पूरा इकोनॉमिक फोरम है ओपन है, कोई भी देश आएगा काम करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी है इस देश में। हमारा ऑलरेडी ट्रीटी है चाइना के साथ, अलग कंट्री के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप अवॉइड करें, दो पैसे ज़्यादा लगे, जो इंडियन प्रोडक्ट है उस पर थोड़ा फोकस होने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि पॉसिबल नहीं है। अब मैं आता हूँ तीसरे फ्रंट पे, बड़ी बड़ी कंपनी के इन्वेस्टमेंट। ये मैंने जो निकाला है एक बुकिंग इंडिया है उनके डेटा से, और उसके जो ऑथर थे अनंत कृष्णन जी थे उनका है ये डेटा, उन्हीं का है। वहाँ से मैंने कुछ कंपनीज के डिटेल निकाले हैं कि अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के टेंडर्स में, आज के डेट में चाइना की मोनोपोली होती चल रही है। यानी कि उससे लड़ने के लिए हमें बहुत 360 तैयारी और लॉन्ग टर्म तैयारी करनी होगी। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। बॉर्डर पे तो जो सेना है पिछले जब से हम आज़ाद हैं तब से बैठे हुए हैं, लोग उससे लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अलग है। हमें देश के अंदर भी लड़ना होगा इनसे और इनके प्रोडक्ट से, साथ के साथ हमें उसके कॉम्पिटिशन में चीज़ों को खड़ा करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो मेरा एक मोटा मोटी था कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट बताया। अब हमारे पास चॉइस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरे रिक्वेस्ट की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एडवाइस देता हूँ। जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो प्लान चलाया था उस प्लान में हमें थोड़ी सी मॉडिफाई करने की ज़रूरत क्या है। अगर आप देखें जो लोग जनरली क्या करते हैं, प्रोडक्ट पार्ट्स बाहर से बुलाते हैं और इंडिया में आके असेंबलिंग कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लगाने की जल्दी कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू चाइना। यानी कि चाइना मार्केट से हम कॉम्पीट नहीं कर पाते। यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट एक काम ये करे, या तो जो स्पेशली चाइनीज बेस्ड फॉर्म्स हों जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई इंडियन प्रोडक्ट लड़ रहा है उसको कैपिटल कम रेट पे दिया जाए, पहली चीज़। यानी लो कैपिटल होगा बाय डिफॉल्ट, उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वो भी कम होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई भी गैप आ रहा है प्राइसिंग में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ पे आगे आके उस प्राइसिंग को नलीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बनता है इंडिया में और वो महंगा होता है तो ठीक है, हो सकता है एज ए इंडियन मुझे लगे कि मैं ले लूँ, लेकिन वो मास कंजम्पशन नहीं हो पाएगा, हर के साथ अपनी प्रॉब्लम है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ भी देखना होगा कि किस तरह से कॉस्ट कॉम्पोनेंट में टैक्स को इस तरह से ट्विक किया जाए ताकि जो प्राइसिंग हो वो कॉम्पिटिटिव हो पाए। साथ के साथ इंडियन कंपनीज़ को और भी प्रमोट करने की ज़रूरत है डिफरेंट सेक्टर्स में, जहाँ जहाँ वो चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉम्पीट कर पाए। इंडियन स्टार्टअप्स में भी ध्यान रखने की ज़रूरत हो कि किस तरह से बैरिकेटिंग भी की जाए। और चाइनीज़ में अगर आप देखें अलीबाबा को, तो अलीबाबा का बहुत इन्वेस्टमेंट है जो कि इसमें काउंट नहीं है, क्योंकि वाया सिंगापुर आता है, वो सिंगापुर होल्डिंग से आता है। जब सिंगापुर होल्डिंग से आएगी तो बाई डिफ़ॉल्ट वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगी। यानी ये लड़ाई केवल इस लड़ाई में नहीं रहे कि हम केवल थोड़ी सी प्रोडक्ट को हटा दें, ये बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई लंबी लड़ने वाली है। तो अगर हम देश के अंदर भी लड़ेंगे तभी हम अपने आप को भी स्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज जो ये चाइनीज मोनोपोली डे बाई डे बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट को लेके, उससे लड़ने के लिए हमें लोकल प्रोडक्ट पर फोकस होना होगा। जो अभी मोदी जी ने लोकल के लिए बात की थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कॉस्ट। जब हम खरीदने जाते हैं तो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, अरे वो प्रोडक्ट तो 5,000 रुपये सस्ता, ये प्रोडक्ट क्योंकि चाइनीज है सर,
चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग जो होता है नंबर्स बहुत हाई हैं, वहाँ एक बार में एक लाख LCD बनते हैं, इस तरह के जाइंट मैन्युफैक्चरिंग है उनके पास। हमें वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पॉइंट को चेक करना कि किस तरह से पॉलिसीज को भी ठीक किया जाए ताकि ये जो चाइनीज मोनोपोली डे बाय डे हमारे प्रोडक्ट पे बढ़ते जा रही है उसको रोका जाए। साथ के साथ स्वदेशी की तरफ भी मूव करने की ज़रूरत है और इंडियन फॉर्म्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है, और कॉस्टिंग पॉइंट पे, ये नहीं कि केवल प्रमोट करके आप काम कर पाएंगे, प्रमोट से कुछ नहीं होगा सर। प्रमोट तो कितने सालों से मेक इन इंडिया में किया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, उन्होंने बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाएंगे दूसरों के साथ हमारा सर्वाइवल नहीं होगा। ये मेरा मानना है एज ए प्रोफेशनल, मुझे जो समझ में आया कि मैं कुछ पॉइंट रख पाऊँ, ये लिस्ट है और इस लिस्ट को समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बाइकॉट करें इन प्रोडक्ट का, कहीं ना कहीं इसमें इंडियन ब्रेन्स हैं, कहीं ना कहीं इंडियन लोग हैं और कहीं ना कहीं इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कॉल तो लेना ही होगा, सोचना ही होगा कि क्या हम कब तक उनको सपोर्ट करते रहेंगे और हम देश के अंदर क्या हम अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाके गोली चला हमेशा, देश के अंदर रह के भी आप देश को सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं उस चीज़ को लोगों को जाके बताऊँ, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसमें पार्टिसिपेशन लें और देश के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं, और ऐसे प्रोडक्ट जहाँ भी चाइनीज़ लोग हैं कहीं ना कहीं हमें उसको पीछे ले जाने, मैं ये नहीं कह रहा बाइकॉट करें, उसको कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे ले जाने की ज़रूरत है ताकि जो उनका जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता जा रहा है हर जगह हम उससे लड़ पाएं। अदरवाइज एक दिन ऐसी हालत आ जाएगी सर, एक एक चीज़ चाइना का होगा, आप इसको माने ना माने यह आपकी प्रॉब्लम है। एक चीज़ और बताऊँ, जिसके घर में बच्चे हैं जो भी आप खिलौने टॉयज यूज़ कर रहे हैं सर, आप जाके चेक करें, मोनोपोली है उनकी। यानी हम मेरा ये कहीं ऑब्जर्वेशन नहीं है या मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आप हर चीज़ को हटा दें, लेकिन जहाँ भी हो सकता है, मैं ये वर्ड यूज़ कर, जहाँ हो सकता है वहाँ ज़रूर कोशिश करें। जिस दिन आप कोशिश स्टार्ट करेंगे, हम इतनी बड़ी तादाद है कि अगर हमने कोशिश भी ले ली ना तो इम्पैक्ट एक मिनट में दिख जाएगा, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट लाने की ज़रूरत है, केवल मतलब सर रिमूव करने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें उससे आगे आने की ज़रूरत है, एक कदम आगे। और ये भी नहीं करें कि आप अपना मोबाइल अगर आज की डेट में तोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट बाइंग करें ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर कोशिश करें कि कम से कम आप अगर अवॉइड कर सकते हैं आप उसको अवॉइड करें। ये मेरा पर्सनल जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज ए डेटा, मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। कॉल आपको लेना है सर, जो भी चाहे आप कॉल ले सकते हैं, सपोर्ट में अगेंस्ट में जैसे आप चाहें, लेकिन जो भी हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कंडेम करने की और स्ट्रांगली हर इंडियन को कंडेम करने की ज़रूरत है। तो एज ए इंडियन जो मुझे सही लगा मैंने बताया, आपको अगर लगता है कि आप इस पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व हों, उम्मीद करता हूं कि कम से कम उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें जो इस तरह की मुहिम में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हें एटलीस्ट पता तो चले कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, कि बोलो 10-5 ऐप ही नहीं है, बहुत है, बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। तो आज के लिए इतना ही।